मैं मास्क पहनूंगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखूंगा, मैं मेरा बर्ताव ऐसा रखूंगा कि मैं कोरोना को रोक सकूं, तो बिल्कुल तभी प्रशासन के प्रयत्न अच्छे हो सकते हैं। मैं सभी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आभारी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चेतना समाज में जागी है, लेकिन इसको हमको कायम रखना है। ये अच्छा हो जाएगा, जैसे ही सुधार अच्छे हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ें हमने बंद की है उसमें भी हम रीथिंकिंग करेंगे, फिर विचार करेंगे, आम्ही त्याचा पुनः विचार करू आणि पुनः आयुष्याची गाडी मूळ पदाला आपल्याला। सर एक सवाल है सर, पोलीस कमिश्नर और कलेक्टर साहब तो घरों घर जाके लोगों को समझाना पड़ रहा है, क्या आंकड़े देखकर ऐसा लग रहा है सर कि आगे और गंभीर जो है तो पेशेंट आ सकते हैं सर, हम सामने आंकड़े आ सकते हैं? देखिए ऐसा है कि आंकड़े आ सकते हैं या नहीं, ये हमारे शहर के नागरिकों पर डिपेंडेंट है। लॉकडाउन जब से लगा है बाय एंड लार्ज शहर के नागरिकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आज सैटरडे को फुल लॉकडाउन था और ये खुशी की बात है कि 90% 95% तक लोग जो हैं वो मास्क पहनते नज़र आ रहे हैं, दुकानों में सब बंद है, और कुछ जगह बच्चे हैं जो शायद थोड़ी बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ी चेतना जगाने की आवश्यकता है, उनको इसका सीरियसनेस समझाने की आवश्यकता है। बट ओवरऑल हम लोग काफ़ी खुश हैं, समाधानकारक हम महसूस कर रहे हैं कि नागरिकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और अगर इसी तरह का अच्छा रिस्पांस बढ़ा तो निश्चित केसेस की संख्या कम होगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। सर एक सवाल ये है कि धार्मिक स्थल को लेकर लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजिंग है, नमाज के लिए मस्जिद में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ज़रा सर के लिए? धार्मिक स्थल बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन आस्था का जो विषय है वो अकेले लोग जा सकते हैं, मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं, नमाज पढ़ी जा सकती है, या हमारे क्रिश्चियन भाइयों या सिख भाइयों वो अपने अपने धर्म के अनुसार जाकर प्रार्थना जरूर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि भीड़ नहीं करनी है और सबने मास्क पहनना है, और जहाँ इकट्ठे भी हो रहे हैं कुछ लोग मान लीजिए तो डिस्टेंस रखना है। अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होगी। बस कोई बड़े प्रोग्राम ना करें, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजकीय हो, बड़े प्रोग्राम कहीं नहीं करनी है, इंडिविजुअल आस्था का सवाल है, उसमें कोई भी दिक्कत। सर मास्क को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी गई आज से? हाँ, अभी कॉर्पोरेशन के काफ़ी सारे स्क्वाड मास्क के लिए कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि वो थोड़ी कम पड़ रही है, तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने वो डेलीगेशन ऑफ पावर पुलिस डिपार्टमेंट को भी दिया है। तो कल सुबह से सभी 17 पुलिस स्टेशन में एक एक दो दो स्क्वाड बनाए गए हर थाने में, और वो लोग भी मास्क की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी को दंड देना या उनसे फाइन वसूल करना ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब लोग अगर कोई बात नहीं सुन रहे हैं बार बार बताने के बाद भी, तो मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों में हम लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और नागरिकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली आज सैटरडे को जो फुल लॉकडाउन है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शहरवासियों से ये कहना चाह रहे हैं इसी तरह स्पिरिट अपना कायम रखें, आसपास अगर कोई बिना मास्क का दिखता है उसको मास्क पहनने के लिए कहिए, और बहुत जल्दी हम लोग इससे बाहर निकल आए। सर उद्यापासून एक शहरात भीतीचं एक वातावरण आहे की उद्यापासून कडक लॉकडाऊन कंटिन्युअस राहणार आहे। मग आता जिल्हाधिकारी महोदयांनी आणि म्युनिसिपल कमिशनर साहेबांनी एक आदेश काढलेला आहे जो 4 एप्रिलपर्यंत लागू आहे, सध्या तरी तोच निर्णय आहे, परंतु स्थितीनुसार रोज आढावा घेतला जात आहे आणि जशी स्थिती डेव्हलप होईल त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातील, आणि जे निर्णय घेतले जातील ते नागरिकांना आपल्या माध्यमातून आम्ही कळवणार, आम्ही खबरदारी घेऊ। थैंक यू। कल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने मतलब मैंने एक कार्रवाई किया है कि मतलब पर्सनली मतलब कई जगह मेडिकल्स पे जाके और बाकी कई जगह जाके सर ने कार्रवाई की है, तो कितने दिन तक चीज़ें सील रहेंगी वगैरह कैसे? देखो मेरा कार्रवाई का हेतु ये था कि वो मेडिसिन शॉप वाले जी विदाउट मास्क देवर सेलिंग द मेडिसिन जी सर, अगर उसका तो संसर्ग का प्रमाण बहुत ज़्यादा होगा, उसके पास लोग भी आ रहे हैं, लोग आने वाले लोग बीमार भी हैं जी, वो कोविड के पेशेंट भी हो सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई की है।
और कोई भी कार्रवाई होती तो उसका फिर विचार किया जाता है जी सर। जो क्या पूरा लाइफ टाइम के लिए बंद किया है, लेकिन उसमें सुधार होने के लिए, जल्दी तो नहीं खुलूंगा लेकिन उसमें सुधार होने के लिए कार्रवाई की है। एंड यू शुड अप्रिशिएट कि मेडिसिन शॉप वाले, देखो आज कोई भी मेडिसिन शॉप वाला, नोबडी इज नॉट मास्क। यस सर। ये भी सर ने ऐसा बोला कि दंड देना ये कोई खुशी की बात नहीं, लेकिन आप में सुधार आने के लिए एक बोले तो दिस इज अ वे ऑफ काउंसिलिंग, समझाने का एक प्रयास है बस। तो कितने दिन के लिए मतलब हो सकता है इनपे? नहीं, इतने जल्दी नहीं। ओके सर।